अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलाउ बर्ड्स फ्रॉम बिहाड़ी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और यहाँ पर मैं और मेरे बर्ड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोशिश करेंगे वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर मेरे पास एक केज था जिसमें मैंने होगोरोमो जो है वो यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे मैंने होगोरोमो लगाए थे इस केज के अंदर। आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस के अंदर देखा होगा, ठीक है जी। लेकिन फिर काफ़ी कुछ देखने के बाद और कुछ दोस्तों से पता करने के बाद पता चला जी कि होगोरोमो जो है वो कॉलोनी में कभी ब्रीड नहीं करते, ठीक है जी। उनके लिए सेपरेट केजेस लगाने पड़ते हैं और सेपरेट केज में ही वो जो है अपने जो है ब्रीड करते हैं। तो काफ़ी दिन से मैं केजेस वगैरह ढूँढ रहा था, कुछ मिल गए, कुछ खरीद लिए नए, ठीक है जी। तो ये होगोरोमो सारे के सारे माशाल्लाह से यहाँ आ गए, ये दूसरा पेयर आ गया, ये तीसरा, और एक ये पीछे लगाया इस तरफ, ठीक है जी। तो माशाल्लाह से ये देखें अगर तो रिज़ल्ट जो है मेरे पास, जैसे ही मैंने ये पहला केज लगाया था ट्राई करने के लिए, तो माशाल्लाह से इसमें रिज़ल्ट जो है मेरे पास 100% आए थे। तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर इन्होंने एगलिंग कर दी थी और अब तो माशाल्लाह से बच्चे भी आने वाले हैं, ठीक हो गया जी। तो होगोरोमो हो गया जी एक साइड पर। ये केज मैंने फ़्री करना था, मुझे ये चाहिए था। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने यहाँ पे म्यूटेशन का एक पेयर लिया था, ठीक है जी। ये किधर गया जी, अच्छा ये मेल है माशाल्लाह जी, और वो BCBB की फ़ीमेल है जी, ब्लैचिक ब्लैक ब्रेस्ट की, और ये जो मेल है जी ये BFBB का है मेरे ख्याल में, ब्लैक फेस और ब्लैक ब्रेस्ट का, ठीक हो गया जी। तो ये देख रहे हैं जी माशाल्लाह, तो ये पेयर ने माशाल्लाह से पहले एगलिंग की थी, ठीक है जी, लेकिन 3 अंडे दिए, वो नहीं पता जी कि किस तरह से वो अनफर्टाइल हो गए, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह से अब दोबारा से जो क्लच आएगा तो वो इंशाल्लाह से उसमें रिज़ल्ट, ये ऐसा हो जाता है फर्स्ट टाइम जो सेटअप, जो नए सेटअप में आपका न्यू बर्ड आता है तो फिर उनके साथ इस तरह से इश्यूज हो जाते हैं। तो इनके लिए स्पेशली मैंने वो केज खाली किया जी, वो बड़े वाला जो केज है, किस लिए कि मैंने जो है ना जी उसके अंदर फोस्टरिंग के लिए, इनके एग फोस्टर करने के लिए हमने उसके अंदर पेयर लगाने, और इसके क्या कोई और भी अगर मिलेंगे जैसे किसी और के भी, आउल के या गोल्डियन वगैरह के भी, तो उनके भी जो है ना हम एग उसके नीचे फोस्टर कर देंगे, ठीक हो गया जी। जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर बड़ी कॉलोनी है सामने, तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा रश है, एग नहीं मैं फोस्टर कर पाता उसके अंदर, क्योंकि वो समटाइम जी पता नहीं चलता किसने कौन से एग दिए, किसने कौन से दिए, तो समझ नहीं आती, ठीक है जी। और जब तक आपको पेयर कन्फर्म पता ना हो, आप कभी भी फोस्टरिंग के लिए एग्स ना लगाएं, क्योंकि पेयर को पता होगा, उसकी क्वालिटी का पता होगा, उसकी नेचर का पता होगा, आपको बर्ड को समझ रहे होंगे हर रोज़, क्योंकि आप वॉश करते हैं उसे, तो फिर ही जाके आप जो है ना अपने जो अंडे हैं वो किसी भी एग्जॉटिक फिंच के वो फोस्टर करेंगे या किसी और के भी, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर मैंने सोचा है जी कि 5 पेयर जो है ना, ये मैंने आज ही इसको तैयार किया, साफ़ किया अच्छे से, तो उसके बाद जी मैंने ये दाना वगैरह रख दिया इसके अंदर, ठीक है जी। तो उसके बाद जी ये चावल भी मैंने पहले डाल दिए जी, पानी भी रख दिया जी ये, और ये 5 मटकियाँ मैंने इस तरह से लगाई हैं जी, ठीक है जी। 3 इस तरफ लगा दिए और 2 इस तरफ लगा दिए, और ये केज आपके सामने 2 स्टिक इसमें ऑलरेडी हैं, ठीक हो गया जी। तो 5 पेयर जी ज़ेब्रा फिंच के, जो कि इस केजेस के अंदर मैंने छोड़ रखे थे, ठीक है जी। तो कुछ को जो ये मटकियाँ वगैरह सूट नहीं की, तो इसने पानी वाले बर्तन के अंदर ही ये देखें अंडे निकाल दिए थे, तो फिर मैंने उसको सेपरेट कर दिया और पानी के लिए उसको नया बर्तन दे दिया। लेकिन अब जो है ना, मैं चाह रहा हूँ जी कि ये जो 5 पेयर है मेरे पे, यहाँ पर एक है, ये नीचे वाला एक है, और आगे 3 इस तरफ से हैं, ठीक है वो नीचे, इनको 1 बाय 1 हम पकड़ेंगे और लेके उसका लूनी में छोड़ेंगे। कंफर्म पेयर है सारे के सारे, ये देखें माशाल्लाह, ये होम ब्रीड है सारी की सारी, ये देखें, ठीक हो गया जी। ये इसमें मेरे ख्याल में जी बैक सैडल है एक ये वाला, और ये ऑरेंज चिक का मेल है, और ये सामने वाली बैक सैडल की जो है वो फीमेल है, ठीक हो गया जी। तो मैं ये सोच रहा हूँ जी इनको पकड़ें और वहाँ पर लगाएं। चलिए हम 1 बाय 1 इनको पकड़ते हैं और लगाते हैं, फिर आपको दिखाते भी हैं, ठीक हो गया जी। पहले मैं ये पकड़ लूँ पेयर, पहला इसको लगा लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों ये देखें, पहला पेयर आ गया जी माशाल्लाह से, ये देखें जी नेस्टिंग, ये वाली मेरे पास पुरानी मटकी पड़ी थी, इसके अंदर मैं नेस्टिंग थोड़ी सी डाल के कर दी ऊपर वाली, लेकिन ये बाकी चारों में नेस्टिंग नहीं है, वो मैं डालूँगा नेस्टिंग मटीरियल, तो इंशाल्लाह से ये 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो नेस्टिंग कर लेंगे, ठीक हो गया जी। तो चलिए हम चलते हैं जी दूसरे पेयर की तरफ। एक्चुअली मैं इनको पकड़ना जो है ना बड़ा मुश्किल है, ठीक है जी, उड़ पड़ते हैं। तो फिर ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अंडे इसने भी दिए थे, तो ये इसका भी पहला ही क्लच था,
ये भी अनफर्टाइल कर दिए, चार थे, दो पहले मैंने रिमूव कर दिए और दो जो है ना ये मैं अभी लेके आया हूँ। ठीक है जी, इसको साइड पे कर देते हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर स्नो वाइट का एक पेयर जो है ना वो हमने लगा देना है इसका, अपनी दूसरी का वाइट बंगलाइज का। ठीक हो गया जी, ये बंद कर देता हूँ, अभी केज बंद है ये। तो यहाँ पर वाइट बंगलाइज का पेयर लगा है माशाल्लाह से इसने, मैंने जैसे ही इसको कॉलोनी में से रिमूव करके यहाँ पर लगाया तो माशाल्लाह अच्छा पेयर नज़र भी नहीं आ रहा आपको ना, ठीक है, वो अभी निकला अंदर से, तो इसने अंडे निकाल रखे हैं माशाल्लाह अंदर, तो फीमेल अभी भी अंदर है, वो देखें मेल बैठा सामने। ठीक हो गया जी, अब अगला पेयर दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ गया। अच्छा जी, पहले हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर कुछ दिया तो नहीं इसमें, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहा, देख लेते हैं जगह करके। ये देखो नेस्टिंग करके रखी है इस तरफ, देखें जो जगह डीप कर दी ना इन्होंने, तो उसका मतलब ये है कि इस तरफ इन्होंने अंडे ही देने थे, लेकिन अभी नहीं दे रही, तो इसको हम यहाँ से पकड़ के, तो यहाँ पर जो है ना जी ये देखें ऑरेंज का मेल है और दूसरी जो है ना फॉर्म में इसके साथ फीमेल मैंने लगाई थी, कुछ रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा केजेस के अंदर ज़ेब्रा फिंच का वन बाई वन का, तो जो है ना इसलिए मैं अब इनको कॉलोनी में लेके जा रहा हूँ। ठीक हो गया जी, चलो इसे भी मैं पकड़ लूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। दूसरा पेयर भी आ गया जी, ये स्टिक पे बैठा हुआ, ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह से ये घर की ब्रीड है, ये भी रिंग डले हुए सबको, ये देखें तो माशाल्लाह से। चलिए जी, इसके बाद हम चलते हैं जी हमारे तीसरे पेयर की तरफ, वो है यहाँ पर मेरे ख्याल में, हाँ ये देखते हैं हम, हाँ जी ये है, ये सामने दिखाता हूँ आपको एक मिनट, ये देखें, ओहो अल्लाह ख्यार करे फीमेल अंदर है, नहीं एग लेइंग तो नहीं कर दी इन्होंने। अच्छा इसके अंदर जो है ना जी वो हमारा है ये वाला जो मेल बैठा सामने, ये पेंगुइन का मेल है, ठीक है जी, और वो जो उस तरफ है ना वो फॉन की फीमेल है। ये दरअसल मैंने इजाबेल के मेल निकलवाने के लिए ना इनका पेयरिंग की थी, ठीक है जी, तो देखता हूँ एक मिनट, नहीं फीमेल अंदर से आई है, अल्लाह ख्यार करे, अगर तो कुछ आ गया हुआ तो फिर मैं इसको नहीं, इनको नहीं हटाऊँगा, ठीक है जी। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये देखें जी, ये जी छुपा रुस्तम है, इस तरह के छुपा रुस्तम जो है ना बड़े तेज़ होते हैं ये, माशाल्लाह से पहले चार एग इन्होंने निकाले होंगे यहाँ पे, और मुझे नहीं पता कि कब से निकालें, तो चलेंगे अगर निकाल दिए तो बिस्मिल्लाह अच्छी बात है, इनको नहीं छेड़ेंगे हम इसका जो है ना बटवी में। हाँ जी ये देखें जी, ये लगा पड़े, ठीक है जी, और इनको इनमें माशाल्लाह दोनों में अब अंडे आ चुके हैं, उस तरफ वो वाइट बंगलाइज में निकाले हैं, वो वाइट बंगलाइज का पेयर, और इस तरफ ये इसमें निकाले हैं पेंगुइन का मेल और फॉन जो सिंपल में है उसकी फीमेल है, ठीक है जी। उसके बाद जी आगे चलते हैं, तो यहाँ पर भी अच्छा ये स्नो वाइट का मेल है, सॉरी वाइट पेंगुइन का, यार क्या बोली जा रहा हूँ, वाइट बंगलाइज का पेयर है, ठीक है जी, ये उसके अंदर यहाँ पर एक वाइट पेयर है, मैं आपको दिखाऊँ, नहीं जी ये तो मैं जो कर रहा था आपसे, ये मेरे कुकू हैं दोनों माशाल्लाह से, दोनों ही मुर्गे बने हैं बहुत खूबसूरत, इसकी तो हाइट बहुत अच्छी होगी, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी हम इस तरफ, तो यहाँ पर एक पेयर है, ये देखें फॉन का, फॉन की फीमेल है और वो ऑरेंज चिक का जो है ना जी मेल है इसके अंदर, ठीक हो गया जी। तो इसको पकड़ लेते हैं हम, इसको पकड़ के भी उधर कॉलोनी में लगाएंगे, तो चार पेयर हम पहले लगा देंगे, अगर उन्होंने वो केज में सही कर दी है ब्रीडिंग तो इंशाल्लाह उनसे उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उन्हें वहीं पर रहने देंगे, ठीक हो गया जी। चलो मैं इसे पकड़ लूँ लगा के वहाँ पे, फिर आपको दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों ये देखें जी, तीसरा पेयर भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, मिक्स भी हो गया अंदर, नहीं ये जो मेल बैठा है ना फोन का, इस साइड वाली फोन वाली जोड़ी नहीं है, ये पहले वाली इधर वाली राइट साइड वाली, ठीक है जी, और वो एक पेयर, वो जो पेयर पहले का बना हुआ है, तो ये माशाल्लाह से तीन पेयर हो गए हमारे। अब हम चलते हैं जी चौथे फाइनल पेयर की तरफ, लगाने मैंने पांच थे लेकिन कोई नहीं, एक ने माशाल्लाह उधर ही ब्रीड कर दी है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। अच्छा इसमें जी ब्लैक चिक की फीमेल है और ये ऑरेंज चिक का ब्लैक बैक सैडल का जो है ना वो मेल है, ठीक है जी, ये माशाल्लाह से होम ब्रीड है हमारी, इसको हम जी अब निकालते हैं, निकाल के तो हम जो है ना वो ले कर चलते हैं उस तरफ और फिर मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ, ठीक है जी। जी दोस्तों ये देख लें जी, ये ब्लैक चिक की फ़ीमेल आके बैठ गई यहाँ पर माशाल्लाह से, फाइनल पेयर आ गया हमारा इसके साथ जी, ये जो ऊपर स्टिक पे ऊपर बैठा मटकी के ये वाला मेल है, ठीक हो गया जी। तो ये माशाल्लाह से कॉलोनी हमने लगा दी एक छोटी सी चार पेयर के साथ, ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनके नीचे जो है ना जी हम अपनी म्यूटेशन के जो एग्स हैं
वो फोस्टर करेंगे, और अगर कुछ दूसरों की भी ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि क्लच आ रहे हैं कंटिन्यूसली एग्जॉटिक फिंचेस के, लेकिन मेरे पास जो है ना ये पेयर कम पड़ने लग गए हैं अब, जो क्या कहते हैं उसको, फोस्टर पेयर, ठीक है जी। तो ये माशाल्लाह से सारे के सारे अब यहीं पर इन्होंने ज़िंदगी अगली अपनी गुजारनी, और इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि फ़ायदा हमें होगा इंशाल्लाह इससे। आपने भी दुआ करनी है मेरे लिए, ठीक है जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते फिर से जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है जी। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ।